हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज आपके सामने टॉपिक लेके आए हूँ दोस्तों, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग वाला टॉपिक। दोस्तों रक्त का थक्का कैसे जमता है, अर्थात दोस्तों चोट लगने पर किस प्रकार रक्त या ब्लड अपने आप कैसे रुक जाता है या रक्त का थक्का कैसे बन जाता है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, और वीडियो में देखेंगे आखिर चोट लगे हुए स्थान पर अपने आप रक्त का रुकाव या फिर रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो आपने कभी सोचा है अपनी बॉडी पार्ट्स पर कट लगने पर अपने आप ब्लड का रुकाव कैसे हो जाता है। दोस्तों अपनी ब्लड में बहुत से ब्लड कोगुलेशन फैक्टर उपस्थित होते हैं। दोस्तों ब्लड में उपस्थित रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स वे प्लेटलेट का कंटेंट ब्लड का 45% होता है, बाकी 55% ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। इसी प्लाज्मा वाले पार्ट में 5% ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग फैक्टर उपस्थित होते हैं, जो चोट लगने वाली जगह पर एक्टिव होकर ब्लड को क्लोटिंग या थक्का बनाते हैं। दोस्तों कट लगने पर ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट एक एंजाइम स्रावित करती है जो थ्रोम्बोकाइनेज उसको बोला जाता है, जो थ्रोम्बिन पर कार्य करता है तथा इस थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों थ्रोम्बिन एक ग्लाइकोप्रोटीन अर्थात फाइब्रिनोजन पर कार्य करता है और उसे फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों जो एक अघुलनशील है तथा इसकी संरचना फाइबर जैसी होती है, रक्त कोशिका या ब्लड सेल्स फाइबर प्रोटीन में उलझी हुई होती है तथा एक थक्के का निर्माण करती है जो कि वाहिनियों के प्रोटीन को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है तथा रक्त का बहाव रुक जाता है। इससे दोस्तों नॉर्मल ब्लड फ्लो रुक जाता है। दोस्तों भी सोचा है कट लगने वाले स्थान पर रक्त का नहीं रुकना या फिर रक्त का थक्का नहीं जमना एक ब्लड डिजीज़ है। उस डिजीज़ में दोस्तों आप में विटामिन के की कमी होती है। इस डिजीज़ को दोस्तों आपके हीमोफीलिया बोला जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।